मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी। आज हम गणपति जी के फेवरेट मोदक बनाएंगे। आज हम बेसन के मोदक बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। चलिए फटाफट चलो, तो आइए शुरू करते हैं बनाना हम अपने बेसन के मोदक। ये हमने एक कप जो है बेसन लिया है, ये मेजरमेंट हम एक ही कप से लेंगे। इसको स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे, छान लेंगे अच्छे से। इसको हमने छान लिया है, इसमें अब हम डालेंगे देसी घी। ये हम छोटे चम्मच से, जो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वही वाला चम्मच है, इससे हम इसमें दो चम्मच जो है देसी घी के डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, दो चम्मच देसी घी के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको चढ़ाएंगे अपनी कढ़ाई में। गैस हमने नीचे से ऑन कर लिया और ये मिक्स करा हुआ बेसन और घी इसमें डाल, फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और इसे लगातार खिलाते हुए इस तरह से भून लेंगे बिल्कुल हल्के फ्लेम में। इससे क्या होगा कि बेसन जो है हमारा कच्चा नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल हल्का है और बेसन भी हमारा काफ़ी हद तक जो है भून गया है। इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे, तकरीबन एक चम्मच। ज़्यादा बाइंडेड वाला देसी घी नहीं है, थोड़ा हमने इसको मेल्ट किया हुआ है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम में अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे अब चीनी, बिल्कुल पिसी हुई चीनी है, हमने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया इसको। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। मैं जो है इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के डाल, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप मिल्क पाउडर। नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाला है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने दूध भी जो है इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इसमें 1/3 कप जो है हम दूध डालेंगे। जितनी हमने मिल्क पाउडर डाला है उतने हम दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, देखेंगे अगर और ज़रूरत पड़े तो और डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1/3 स्पून इसमें देसी घी का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/3 स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इसमें घी डालेंगे आप देखेंगे कि पैन ये छोड़ने लगा है। ये देखिए, ये देखिए पैन ये छोड़ने लगा है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये खोए की तरह खाड़ा गाढ़ा हो गया है, जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। इस स्टेज में हम इसको जो है 1 मिनट और करेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा। लीजिए बेसन हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब हम बनाएंगे इसके मोदक। ये मोदक हमारे पास मोल्ड है और इसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी। इस तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से क्या होता है, ये चिपकते नहीं है। हाथ को भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और अपना थोड़ा सा ये उठाएंगे, इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे और मोल्ड के ऊपर रख देंगे। इस तरह से मोल्ड को कर देंगे बंद टाइट, एक्स्ट्रा बाहर से निकाल लेंगे और इसको दबा देंगे और थोड़ा और जो है इसमें डाल देंगे। जितना इसमें फिर टाइट टाइट टाइटली दबा कर आप इसको जो है इसके अंदर डाल देंगे। तो अच्छे से दबा लिया है, इसको खोलते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे मोदक बने हुए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारे मोदक बनाकर रेडी कर देंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे वर्क, हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत ही टेस्टी बेसन मोदक तैयार हो गए बनकर गणपति जी के लिए। तो आप इसे इस गणेश चतुर्थी पे गणेश जी के लिए ज़रूर ये बनाएं, बहुत ही इनको टेस्टी लगेंगे, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। पसंद आए रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।